हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस फोटो के माध्यम से समझ गए होंगे कि यह आंगनबाड़ी सेविकाओं का कोई प्रोग्राम है और यहां आप लोगों के हाथ में एक प्रशस्ति पत्र दिख रहा है। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि यह बगहा एक की महिला पर्यवेक्षिका है, इनका नाम है प्रियंका नीति। और साथ ही में साथ आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेविकाएं भी दिख रही हैं जिनको प्रशस्ति पत्र से नवाजा जा रहा है। और यह जो प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, ये बगहा एक के CDPO हैं, सर सोहेल अहमद। मैं आप लोगों को बताऊं कि यह जो है एक बैठक आयोजित किया गया था। पहले बैठक में बकायदे सभी आंगनबाड़ी वर्करों का प्रशिक्षण हुआ और प्रशिक्षण के बाद से जो आंगनबाड़ी वर्कर बेहतर काम की हुई हैं किस विषय में, तो पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री को लेकर के, तो उन सेविकाओं को भी साथ ही साथ सेक्टर वाइज रहता है। जिस सेक्टर में सेविकाओं के द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं ने बेहतर काम को अंजाम दिया है और अपने काम को पूरा टारगेट कंप्लीट करवाया है, उन महिला पर्यवेक्षिकाओं को देखिए आप लोग। यहाँ पे महिला पर्यवेक्षिका प्रियंका कुमारी मैम है जिनको प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। बाल विकास परियोजना बगहा एक पश्चिम चंपारण, प्रशस्ति पत्र श्रीमती प्रियंका कुमारी, पदनाम महिला पर्यवेक्षिका, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 के अंतर्गत जो है कि इन्हें यह प्रशस्ति पत्र दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न, यानी कि सर्वप्रथम सेविकाओं का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण में देखिए आप लोगों को मैं कुछ बताते चलूं कि क्या है। विभागीय निर्देश के आलोक में बुधवार के दिन बाल विकास परियोजना अंतर्गत बगहा एक अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण बगहा एक के प्रखंड के सभागार में किया गया। इस दौरान महिला पर्यवेक्षिका अमृता राज एवं प्रियंका कुमारी ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के कार्यों में समीक्षा बैठक एवं पोषण ट्रैकर ऐप पर की जाने वाली एंट्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभागीय कार्यों के ऑनलाइन एंट्री, हितग्राहियों के आधार वेरिफिकेशन करने पर 100% आधार वेरिफिकेशन, बच्चों का सही वजन दर्ज करने वाली आंगनबाड़ी केंद्र एवं खोलने THR SEM की 100% एंट्री करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र 2024 वर्ष के SSR दर्ज किए जाने, आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं की जानकारी देकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर ECC एवं गतिविधियां अनिवार्यता कराने पर निर्देश देते हुए प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में CDPO मोहम्मद सोहेल अहमद, निम्नवर्गीय लिपिक संजीत कुमार और LSS रानी कुमारी, सविता कुमारी, निर्मला कुमारी, अर्चना कुमारी, रत्नम प्रिया, प्रखंड समन्वयक शिव शांत कुमार, कार्यपालक सहायक विनोद कुमार सहित सभी सेविकाएँ मौजूद थीं। तो आप सभी इन CDPO मैम, सुपरवाइज़र मैम और साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्करों को कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर कहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ऐसे ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने आंगनवाड़ी कैन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि इन्हें देख करके हम सभी आंगनवाड़ी वर्कर बेहतर तरीके से काम करें ताकि हम भी प्रशस्ति पत्र के हकदार हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।